नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य ने चंदौली जनपद के चकिया में आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जितना अपमान महिलाओं का इस शासन काल में हुआ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम पे है, अपराध में यह प्रदेश अव्वल है, इस तरह से भ्रष्टाचार में भी देश में सबसे ज़्यादा अगर स्थिति खराब है तो उत्तर प्रदेश की है। वहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं वह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर साथियों आगे देखिए। अपराधियों के अपराध बढ़ते जा रहे, उनका मनोबल बढ़ा है क्योंकि बलात्कारी खुले घूम रहे हैं। तुम हमारा बलात्कार कर लो, तुम हमको हम बलात्कार कर तुम हमको क्या पकड़ोगे, थानेदार तो हमारा है, आईएएस अधिकारी हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, विधायक हमारा है, सांसद हमारा है। बिंद समाज ने ठाकुर जी को वोट दे दिया, मौर्य समाज ने ठाकुर जी को वोट दे दिया, तो सरकार तो उनकी, तो कैसा न्याय मिलेगा बताइए ना। एक बार भूखे पेट ही सही, लेकिन कसम खा लो कि इस बार कोई गद्दारी आने वाली पीढ़ी से नहीं करोगे, पता नहीं फिर कभी डराना होगा। मुझे यही चीजें कहनी थी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखिए। जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में कृषि बिल लागू नहीं होने देगी। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं भैया? मोबाइल फोन यूज करते हैं ना? तो अमिताभ बच्चन है ना, गंगा किनारे वाला छोरा जो बम्बई में रहता है समुन्द्र के पास, वो बार बार कहता है कि कोरोना की जब तक दवाई नहीं, कोरोना बीमारी आपको डरा रहा है ना, तो आप लोग मास्क पहन के निकलिए, सुरक्षित रहोगे, लेकिन कोरोना के बाद में मरेंगे किसी से पहले नौ बता दें। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन मैं एक जो चीज कह रही हूँ कि जैसे योगी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बीमारी बन चुका है, तो जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, कहोगे ना? जब तक योगी की विदाई नहीं, जब तक योगी की विदाई नहीं। ये कहते हैं नारी सर्वत्र पूज्यते, ये 200 रुपए की साड़ी पहनाकर बाद में साड़ी उतार लेते हैं, हमको ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, समझ गए ना? हमको ऐसा सम्मान दीजिए जिसमें शक्ति हो, हमारी पूजा मत करिए, हमको सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। आज नारी शक्ति जिस दिन से जाग जाती है ना, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। नारी शक्ति आप और मैं कहूंगी नारी शक्ति आई है, आप कहिएगा नई रोशनी लाई है, सभी कहिएगा, आपकी माँ बेटी बहन वो भी तो एक नारी है ना। नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। मैं अभी जो भी कहूंगी उसके पीछे कहिएगा बाबूजी मैदान में, मैं कहूंगी पिछड़ों के सम्मान में बाबूजी मैदान में, युवाओं के सम्मान में बाबूजी मैदान में, किसानों के सम्मान में बाबूजी मैदान में, जवानों के सम्मान में बाबूजी मैदान में, नारी के सम्मान में बाबूजी मैदान में। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट रामकृष्ण प्रजापति, प्रदेश की महिला सचिव इंदु कुशवाहा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मौर्य, महिला जिला अध्यक्ष बिंदु मौर्य, महासचिव शिवा मौर्य, राकेश मौर्य, पदुन मौर्य आदि ने सुषमा मौर्य जी का भावातिवेक स्वागत किया। बस साथियों, इसी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।